गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर्स एंजल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी जो कि एक बहुत सिंपल वे में और छोटे से वे में सेलिब्रेट हुआ है, लाइक बिफोर एनीबडी कमेंट्स की इतना सिंपल है, घर में है, ऐसा वैसा, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आई नो ये सिर्फ नेगेटिव कमेंट, और जिनको दूसरों की खुशी में प्रॉब्लम होती है ना वो लोग ही कॉमेंट करते हैं, बट ठीक है, इनको इग्नोर ही करते हैं हम लोग। यस, मेरा रोका हो गया है। लाइक हमारे में ऐसा रोका करके कुछ वर्ड नहीं है, पता नहीं हमारे में वृक्षा तिलक ये सब होता है, तो वो सब अभी होना बाकी है, गोद भराई वगैरह होना बाकी है, जो कि जल्दी होगा, आप सबको पता चलेगा। बट एक छोटा सा सेरेमनी हुआ था, सो मैं इसे रोका का ही नाम दूंगी। सो दिस हैपेंड ऑन 18th of July। आपको याद होगा मैंने एक फेशियल कराया था डर्मैट से, माइक्रो डर्माब्रेशन और एक और ट्रीटमेंट साथ में कराया था। सो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें पता है आपकी शादी हो रही है, लाइक बहुत लोग ने सही गेस कर लिया था कि आपकी शादी हो रही है, शादी हो रही है। बट शादी के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, बट तभी मेरा रोका हुआ था तो, और ऐसा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने का प्लानिंग नहीं था, बट सबने किया बिकॉज ऑफकोर्स छोटा सा इवेंट जैसा हुआ था तो हम लोग ने किया रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो पहले मैं आपको बता दूं, तो यस, इसी के लिए मैंने माइक्रोडर्माब्रेशन वगैरह किया था ताकि स्किन ग्लोइंग वगैरह दिखे, और मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बोला था कि इतनी तैयारी क्यों हो रही है। सो मैंने सोफा अपने घर में गिफ्ट दिया था, सो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे कर दूंगा, आप लोग देख लेना। सो इसीलिए मैंने ना सोफा न्यू किया था, आई वॉज लाइक मुझे न्यू चाहिए सब कुछ, तो न्यू सोफा मैंने ऑर्डर किया था। सो यस, हिज साइड ऑफ फैमिली, अब मैं हिज बोलती हूँ तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता, तो सूरज के साइड की फैमिली सब लोग आए थे घर पर, हमारी फैमिली से उनकी फैमिली सब लोग मिलने आए थे। सो मेरी प्यारी सासू मॉम और पापा सब लोग आए थे, तो बहुत ही अच्छा था। और होता है ना, जब लड़की पसंद आ जाए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, या फिर पैसे या फिर कुछ तो देते हैं। सो यस, मेरी सासू मॉम, लाइक मैं उनको मम्मी बोलती हूँ, तो मम्मी मेरे लिए ड्रेसेस लेकर आई थी एंड मेरे लिए रिंग लेकर आए थे वो। सो हमारे में ऐसा होता है, आई थिंक बहुत लोग में ऐसा होता होगा, जब लड़की पसंद आती है तो रिंग या फिर कुछ ऐसे पहनाते हैं, तो उनको मैं पसंद आ गई थी, सो उन्होंने मुझे रिंग भी पहनाया था वहां पर। सो वही रिकॉर्डिंग थोड़ा सा हुआ, तो आप लोग आगे देखना। बहुत ही क्यूट सा छोटा सा वेरी सिंपल सेरेमनी आप बोल सकते हो, रोका सेरेमनी हुआ था, और जो भी ग्रैंड होने वाला है वो तो थोड़े दिनों में होगा, आप सबको जल्दी पता चलेगा। सो यस, आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस कि यस, मेरा रोका हो गया है, एंड बहुत ही क्यूट सा था गाइस, तो आप लोग देखो एंड एंजॉय करो। लिखे सी संजोग साढ़े तेरे नाल वे, हस दे हसों दे लंग गया साल वे। कदे मेरे सोने हो भी ना दूर वे, मेरे को मत करवाती खुद रहा।
So yes guys, अब क्योंकि घर में ही था तो मैं एकदम ओवर द टॉप रेडी नहीं हुई थी. आई वॉज लाइक बहुत सिंपल रेडी हुई थी. अगर आपको मेरा रोका का मेकअप लुक देखना है जो मैंने खुद से किया है तो मैं रेडी हो जाऊंगी. बट जो मैं ड्रेस वेयर कर रही हूँ वो इतना ज्यादा प्यारा है. आई डोंट नो कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा या फिर पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट इतना प्यारा ड्रेस है गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल. सो ये सब लोग एकदम सिंपल ही है, सिंपल रेडी होकर आए हैं. एंड सूरज वांटेड कि मैं ये वीडियो नहीं डालूं यूट्यूब पर बिकॉज इतना अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं आया है. बट आई रियली वांटेड टू शेयर, आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ. मुझे यू नो ऐसे सिर्फ यूट्यूब के लिए शोबाजी नहीं करना है, मैं ग्रैंड हर चीज कराऊँ. ऑफकोर्स आई रियली वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग, बट देन येस मुझे शेयर करना था तो मैं आप सबके साथ कर रही हूँ. सो बहुत ही अमेजिंग क्यूट सा छोटू सा सेरेमनी था. एंड देन एवरीबडी हैड लंच एंड फिर उसके बाद सारे सब लोग चले गए. सो कुछ ऐसा था मेरा प्यारा सा छोटू सा रोका सेरेमनी. कैसा लगा आपको आप सब मुझे जरूर बताना. आई होप आप सबने वीडियो एंजॉय किया होगा. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय. छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा. सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा. रब नू भोला बैठा तेरे करके मैं हो.